Three Storeys, a movie with an ensemble cast of actors like Sharman Joshi, Pulkit Samrat, Richa, Chadda, and Renuka, Shahane, is receiving very good reviews from the celebrities. A special screening of the film was held where celebrities reviewed the movie. Check here who said what. Kalki Koichlin. The story has many stories and each story is potentially a different story, which is a very interesting story. So it's not just three stories, it's plenty of stories. Varun Sharma. बहुत अच्छी लगी यार मेरे को. To be very honest, it's the thrill that's there in the film, the mystery that's there in the film, and especially the performances. I think everyone's performed really well. It's in that पूरी जो realistic space है और जो performance और जिस तरह से background score use करा है, I think it's really hooked. मतलब you get hooked on to the film and जो mystery, and I loved the end. I can't actually tell you कि end में क्या होता है because वो सारा flavour खत्म हो जाएगा. But the end and all the culmination of all the stories together, I think it's really really very interesting and too much fun to watch. कृति खरबंदा. मुझे जो उम्मीद नहीं थी कि आई विल कम आउट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस विद सच अ बिग स्माइल. जब यू नो जब आप ट्रेलर देखते हो और जब आप फर्स्ट हाफ देखते हो तो आपको लगता है कि बहुत इंटेंस है, बहुत इंट्रीगिंग है, सेकेंड हाफ कैसा होगा. लेकिन जब आप सेकेंड हाफ ख़त्म करते हो और बाहर निकलते हो आपके चेहरे पर एक जेन्यून स्माइल होगी. आई थिंक जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगी इस मूवी के बारे में, दैट इज़ एक्सट्रीमली रियलिस्टिक. सब ने इतनी प्यारी परफॉर्मेंसेज दिए हैं, सब इतने प्यार से लाइक दिखता है उनका. और जब एक फिल्म एक चौल पर बेस्ड होती है, हम सब जानते हैं कि मुंबई की चौल कैसी होती है. सब लिटरली एक दूसरे के घरों में रह रहे होते हैं, सबको ये पता होता है कि एक दूसरे के घर में क्या हो रहा है. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करी है, बट जब मैं ये देखती हूँ मुझे लगता है कि हाँ यार ऐसे ही होता होगा. द मूवी डायरेक्टेड बाय फर्स्ट टाइमर अर्जुन मुखर्जी इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन रितेश सिद्धवानी एंड फरहान अख्तर्स एक्सएल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड बी फॉर यू.